करंट की चपेट में आने से वार्ड नंबर 5 नौगैया निवासी बाबा दीन गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्रीराम गुप्ता उम्र लगभग 35 वर्षीय की मौके पर मौत हो गई। लखनऊ बहराइच हाईवे स्थित कैसरगंज शनिवार के दिन रात्रि लगभग 8 बजे के आसपास डिवाइडर पर करते समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैसरगंज के पास खंभे पर हाथ लगने से वहीं पर चिपक गया, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आसपास के दुकानदारों में कोतवाली कैसरगंज में फोन द्वारा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह को अवगत कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरे दिन रविवार को क्षेत्र के लोगों द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं पर सुमन गुप्ता बाबा दीन की बड़ी पुत्री ने मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से बताया कि निशी रूपाली सौरभ किसी का उम्र 12 वर्षीय, किसी का 10 वर्षीय, किसी का 6 वर्षीय, हम लोग गरीब परिवार के हैं, हम कैसे हम लोगों का जीवन यापन चलेगा। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष यूसुफ अली उर्फ सोनू गिरीश चंद्र गुप्ता, अशोक गुप्ता, अमरेश बहादुर सिंह कोटेदार, दुर्गेश गुप्ता, चंद्रभान गुप्ता, संतराम गुप्ता आदि सहित सैकड़ों की संख्या में दाह संस्कार में लोग शामिल होकर अंतिम संस्कार किया। अब देखना यही कि खबर प्रकाशित होने के बाद योगीराज में इन गरीब परिवार के छोटे बच्चों को सरकार द्वारा क्या सुविधा दी जाती है। संवाददाता सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।